उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सीएए को लेकर हुए बवाल में अभी तक 6 उपद्रवियों की मौत हो गई है। इस मामले में 35 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 29 नामजद हैं और 2500 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए इनमें से 14 लोगों को जेल भेज दिया है। इनमें से एक उपद्रवी का नाम अहमद नवी है, जो कि 50 वर्ष का है। यह कोटला मोहल्ले का रहने वाला है। परिजनों के मुताबिक वह कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि इसके जयपुर में 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और इस समय कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी चल रही है। परिजनों ने कहा कि अहमद नवी तो बेकसूर है, वो हाजीपुरे में अपनी कांच की दुकान बंद कर आ रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अहमद नवी के भाई का कहना है कि पुलिस ने अहमद नवी को पकड़कर इतना पीटा कि उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर है और उसका तुरंत ही कैंसर का इलाज नहीं किया तो उसकी हालत गंभीर हो सकती है। परिजनों ने गुहार लगाते हुए कहा कि समय रहते अहमद नवी का इलाज कराया जाए। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ये वकील नवी नाम मेरा। वकील जी, आपका क्या दर्द है? ये दर्द ये मेरे बड़े भाई हैं अहमद नवी, उनको 2015 में कैंसर का शिकायत आई थी। तो जब डॉक्टर दिखाया था जयपुर, आओ जयपुर में भगवान महावीर हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद 6 महीने बाद, अभी 6 महीने पहले फिर मालूम चला कि उनको कुछ शिकायत फिर है, दिखाया गया तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन करा दिया। अभी 20 दिसंबर को उनकी एक दुकान है हाजीपुरा में क्रॉकरी की, तो अपनी दुकान पे गए थे वो। तो जब दुकान पे पहुँचे तो यहाँ पर 20 दिसंबर को कुछ मतलब अराजक तत्वों द्वारा ये किसी तरह से भगदड़ मची, तो अपनी दुकान से वो घर की तरफ लौटे। जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में घर तो लौटे नहीं, तो हम तो उनको सारे दिन ढूंढते पड़े कहाँ कहाँ नहीं है। तो रात को करीब 8:30 बजे करीब हमारे पास उनके मित्र का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अहमद भाई को पुलिस के साथ जाते हमने देखा, पुलिस पकड़ के ले गई है। हम चिंता हो गए, पूरे परिवार एकदम से बहने बहने भयभीत हो गई। फिर हमने रात तो ही गई थी, हम कहीं आते कि माहौल ख़राब था, तो हम दूसरे से हमने ढूंढना शुरू करा। तो कभी हम तो पुलिस वाले कहीं पुलिस लाइन में रखा, कभी कोई कहीं भगाते रहा, हम बहुत सारे भागते रहे। तो हम ढूंढते ढांढते हमें मक्खनपुर थाना पहुँच गए। मक्खनपुर थाने पहले हमें टाल दिया गया एसआई साहब ने, वहाँ कहने के यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी एक दो और साहब बैठे थे, उनको हमदर्दी हमसे जागी, उन्होंने कि चलिए हम मिलवाते हैं आपको, वो ले गए मिलवाने के लिए। तो जो मक्खनपुर का जो जेल का हमारा जो कारागार था थाने का, उसमें 12-13 लोग बंद थे। मैंने आवाज़ लगाई भाई साहब, तो भाई साहब की एक आवाज़ आई जिसको मुझे आज भी टीस से दिल में आज तक टीस बन के छुपती है। उन्होंने मुझसे कहा, तो शायद कोई होता तो उसको भी, वो भी उसको अफसोस होता, वो मुझसे बोले भाई मेरी दोनों टांगें तोड़ दी हैं और कोने में पड़े हुए थे, चलने लायक नहीं थे। तो बहुत दर्द सा महसूस हुआ, महसूस होता तो हम आ गए। हमने बात घर पे नहीं बताई, क्योंकि बहने बहनों को कि टांग अंग तोड़ गई। हमने उनसे कहा कि हमें ले आए और ऐसा सा मसला है। फिर हमने भाग दौड़ कर यहाँ के लोग जो विधायक हैं, विधायक के पास हम गए, हमने उनसे हेल्प मांगी। विधायक ने कई बार आश्वासन दिया, विधायक जी ने कहा मैं जिस तरह कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन मेरी चल नहीं रही है। हमने कहा विधायक है शहर के, आपकी नहीं चल रही तो बहुत अफसोस की बात है, कहले मेरी नहीं चल रही, मैं इसमें माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे साथ मेरे मोहल्ले के लोग भी गए थे, संभ्रांत लोग गए थे, महाराज विधायक जी का हमें कोई ढंग की संतुष्टि नहीं मिली। फिर हमने वकील करा, जाहिर सी बात है जब मालूम चला। अच्छा, उस वक्त हमें माँ के मक्खन पर ऐसा ही सामने बताया था कि आज के आपके भाई साहब को हम मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। जो मेडिकल के लिए लेकर के आए, हम अस्पताल पहुँच गए, ट्रामा सेंटर, सरकारी ट्रामा सेंटर। तो वहाँ पर वैन में 12-13 लोग जो आए थे मेडिकल के लिए, मैं एक देखने को अजीब मुझे वो महसूस हुआ कि यहाँ का पुलिस तंत्र जो है पूरा कहने उनके साथ नानसाफी कर रहा था जितने लोग आए थे। क्योंकि किसी का मेडिकल नहीं कराया गया था, सबको वैन में बैठा लिया गया था, जिस पर मैंने शायद थाना उत्तर लगता है वो उत्तर के इंस्पेक्टर साहब थे, ऐसा ही साहब थे। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कभी मेडिकल कराई है? तो मुझसे बोले आप कौन होते हैं? तो डॉक्टर साहब बैठे थे सिद्धार्थ, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करा, डॉक्टर साहब बोले क्या परेशानी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कहा ऐसा मसला है डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब को फाइल दिखाई भाई की, तो बोले तो उनका कीमो चल रहा है। मैंने कहा साहब कीमो तो चल रहा है, इलाज भी चल रहा है। तो बोले उनकी टांग में फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने देख के बताया। मैंने तो डॉक्टर बोले ठीक है, इनको तो एडमिट होना है। मैंने एडमिट कर लिया डॉक्टर साहब होना। डॉक्टर ने फाइल बनवाई, मुझसे साइन करवाए, सब कुछ करवाया। बोले वार्ड नंबर 1 में तुम्हारे भाई एडमिट होंगे। मैंने ठीक है, हाँ महसूस में रहे भाई यहाँ एडमिट होंगे तो उनका इलाज मिल जाएगा, अच्छा ट्रीटमेंट। लेकिन उस वैन में से इंस्पेक्टर साहब ने और पुलिस जितने साथ आई थी किसी को नहीं उतारा, वैन वापस चली गई। हम दोबारा दरोगा जी के पास गए, सॉरी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर हमसे बोला वार्ड नंबर 1 में तो भाई एडमिट हो गए, हमने फाइल पहुंचा दी है। हम वार्ड नंबर 1 में गए, वहाँ कोई हमारे भाई नहीं थे वहाँ पर। हमने पता करा के लिए यहाँ कोई नहीं आया किसी भी तरह कोई भी। हम दोबारा डॉक्टर पास लौट करके आए, तो डॉक्टर बोले नहीं हमने क्या हुआ आपका भाई को बुक किस में किया? नहीं वो आपको बता, तो वो उन्होंने वो इलाज बिल्कुल नहीं दिया और ना एडमिट करा। फाइल बनाने के बावजूद इंस्पेक्टर मेरे साथ सीधे जेल ले गए बिना इलाज के। उनकी दोनों टांग फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था और हेड इंजरी थी।
तो उनको एक भी कहते हैं फर्स्ट एड के नाम पे किसी को भी कुछ नहीं मिला, हमारे भाई के साथ जितने लोग थे। जब जेल पहुंच गए तो फिर हमने वकील करा, वकील साहब से हमने मशवरा लिया, तो जब वकील साहब मशवरा लिया हमने वकील साहब को फाइल दिखाई, वकील साहब ने मंगल वाले दिन ट्यूजडे को और कोर्ट से ऑर्डर आदेश करा लिए कि इनको फर्स्ट एड के लिए अस्पताल में, क्योंकि कैंसर का इलाज जिला अस्पताल में कहीं भी नहीं है, जहाँ कैंसर का इलाज उनको वहाँ भेजा जाए। लेकिन आज मंगल से आज लगभग फ्राइडे हो गया, मेरे ख्याल से चौथा रोज़ हो गया, चार रोज़ तक हो गए, आज तक कहीं उनको इलाज बाहर नहीं मिला है। अब मैं आप बस ये पूछना चाहता हूँ और ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब आप ही बताएं, कैंसर का इलाज का मैं शहर में है कहीं नहीं है, जब कैंसर का इलाज नहीं है तो हमारे भाई की जान का खतरा है। हम आप लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाई जाए और हमारे भाई को बेवजह उठाया गया, वो उनको छोड़ा जाए, उन पर धारा लगाई गई हैं, तमाम तरह की धारा लगाई 360 लूट की और आगजनी की, जब कुछ और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाई वहाँ से आए, कैसे आए हमारे भाई के बारे में पता कर सकते हैं? अगर हमारे भाई वहाँ पर थे तो हम पैरवी नहीं करेंगे, मतलब आगजनी में थे, और अगर वैसे पकड़ लिया है तो उनको न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। नहीं, आपके भाई कैंसर पीड़ित हैं और इनकी जान को तो बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझे आपने बताया कि 28 तारीख को रिहाई के एक तरह से आदेश भी है कि उनको लाया जाए, कोर्ट के आदेश है, फिर दिक्कत आपको कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, हम जब जेलर साहब से बात करते हैं, दो तीन बार बात करी तो जेलर साहब कहते हमारे पास पुलिस मुहैया नहीं है, पुलिस नहीं है। तो अब दो पुलिस वाले अगर उनको नहीं मिल पा रहे एक कैंसर पीड़ित इंसान के लिए, तो आप सोचने का विषय है कि एक आम आदमी के लिए क्या हाल होता है। कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए इलाज के लिए दो पुलिस वाले तो मुहैया नहीं कराएगा इस प्रशासन से। अगर इनको और कोई कैंसर के पीड़ित है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, तो आखिर इसका भी जिम्मेदार आप किसी को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, पहले तो हम जिला अधीक्षक को मानते हैं और जिला प्रशासन को मानते हैं, जबकि हमने जिला अधीक्षक को और माने कोर्ट के आदेश नहीं माने, कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। सबसे बड़ा अफसोस बात का है कि माननीय कोर्ट के माननीय अदालत के आदेश नहीं मान रहे, यहाँ के जेलर साहब ने एक बात कहा कि हम जान को सब कुछ मुहैया करा रहे हैं, सब दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जेलर साहब से भी, जेलर साहब क्या जेल में कैंसर का इलाज चल सकता है? मुझे इस बात का जवाब दे। क्या चीज़ रह गई है? कीमोथेरेपी हो रही है, रेडियो हो रही है, क्या चीज़ हो रही है? अभी कीमो भी चल रहा है, थेरेपी भी चल रही है इनकी। दूसरी बात ये कि उनको हर महीने वहाँ जाना पड़ता है कंसल्ट के लिए, 28 तारीख कल की डेट आई है, 28 हर महीने बुलाते हैं और उनको इलाज विलाज होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, और अभी तक कैंसर के नाम पर कैंसर संबंधित एक भी इनको टेबलेट या मेडिसिन नहीं दी गई। मिलने दिया जा रहा है आपको? हाँ मिलने दिया जा रहा है, वो जैसे कैदी उसे मिलने जाता वैसे मिलने दिया जाता है, पर्ची कटवा के हम लोग जाते हैं। आपके शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है। आयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।